उधर झारखंड में हेमंत सोरेन दोहरे लाभ के पद वाले मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद लिफाफे में अपना फैसला भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में अपनी कुर्सी गवा सकते हैं। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, हेमंत सोरेन की जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। तो सवाल ये फिर कौन होगा मुख्यमंत्री? और ये सवाल बना हुआ है, क्या उस स्थिति में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे, जैसा 25 साल पहले बिहार में लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनवा दिया था। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पार्टी परिवार की सरकार, परिवार की भ्रष्टाचार, परिवार का इक्कीस साल पहले जब बिहार को बांटकर झारखंड बना था तो एक सपना था विकसित झारखंड का, लेकिन परिवारवाद की उंगली पकड़कर पनपने वाले भ्रष्टाचार ने राज्य को खोखला कर दिया। तभी तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोहरे लाभ के पद के मामले में ऐसे फंसे कि कुर्सी हिलने लगी। सर सर सर, जिंदाबाद। एक तरफ आप इतने विकास के काम कर रहे हैं, लोगों की खुशी चेहरे में, और दूसरी तरफ सर निर्वाचन आयोग के फैसले पर आपके खिलाफ साजिश कर रही है, क्या लगता है? अभी कहाँ है, कौन बोल रहा है? शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। पिता पर कोयला घोटाले का दाग लगा, बेटे पर खनन में भ्रष्टाचार का। पहले ये मामला समझिए कि किस माइनिंग से हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बीजेपी डेलीगेशन ने फरवरी 2022 में आरोप लगाया कि सोरेन ने रांची के अनगढ़ा में अपने नाम से खनन पट्टा लिया है, लिहाजा उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। मामला सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है। आरोप है कि सीएम हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्वेरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली थी। सोरेन परिवार पर शेल कंपनियों में निवेश कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में गया। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। और अब खबर है कि राज्यपाल के पास चुनाव आयोग की चिट्ठी पहुंच चुकी है जिस पर वो कभी भी फैसला ले सकते हैं। मेरे को पता नहीं है कि कोई आर्डर मेरे पास आया है। मैं अभी मिसेस को ट्रीटमेंट के लिए मैं गया हुआ था, मैं 2 दिन अभी एम्स में था, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई निर्णय हुआ होगा। अब राजभवन जाऊंगा, अगर यहाँ आया होगा तभी मैं बता पाऊंगा। बीजेपी का आरोप है कि ये खनन झारखंड की तरक्की के लिए था, लेकिन सोरेन परिवार की तरक्की में इसे झोंक दिया गया। अब नतीजा सामने है। जो लोग परिवारवाद पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करके जो सानो सौकत से जिंदगी जी रहे हैं, जिसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है कि यदि आप राजनीति में आए हैं तो वो सुचिता शुद्धता के साथ आइए, जनता का भला करिए, अपना पेट भरने के लिए नहीं आइए, अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए नहीं आइए, और यदि आप आइएगा तो यही दुर्गति होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू हो। झारखंड ही है जिसके कारण हिंदुस्तान अपनी खनिज संपदाओं पर सबसे ज्यादा गर्व करता है।
लेकिन 2014 में जस्टिस एम बी शाह कमीशन ने अवैध खनन पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक अवैध खनन से झारखंड को 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। अब यही खनन का मामला हेमंत सोरेन के गले की फांस बन सकता है। रांची से ज्ञानेन तिवारी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।